हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है सावन का पांचवा सोमवार और लास्ट सोमवार, और आज ही रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। आइए देखते हैं मैंने कैसे मनाया अपना रक्षाबंधन और आप सभी ने कैसे मनाया अपना रक्षाबंधन, मेरे को भी कमेंट करके बताएं। कहते हैं सावन में सुहागनों को मेहंदी जरूर लगाना चाहिए, तो इतने दिन तो नहीं लगा पाई, अब रक्षाबंधन के लिए लगवा रही हूँ। आज था 1:30 बजे का मुहूर्त, उसके पहले लगा हुआ था भद्रा, तो मैं आ गई हूँ अपने घर राखी बांधने के लिए अपनी मम्मी के यहाँ। फोटो नहीं खींच रहा है इसका, तो ले मैं स्क्रीनशॉट वाला फोटो निकाल के दे दूंगी। मेरा वाला तो मेरा कैमरा हिल गया है, इसमें लाइट आ रहा है, उजाला बहुत आ रहा है, काहे का है बाहर का है। मेरे तरफ आओ ना, इसको इधर करूं तेरे तरफ कि मेरे तरफ करूं? नहीं जानता किस तरफ, किस तरफ करूं मम्मी, छोटे की तरफ सन्नी की तरफ की क्या चीज? देखो कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान इधर सामने आना चाहिए ना, ऐसे ऐसे। हाँ सबको देखेंगे तो इधर हाँ। दिखना चाहिए नहीं, सामने हम बड़े दिन बाद बड़े राखी बंधा थे, बहुत दिन बाद मतलब अच्छी अच्छा राखी दी थी तुमने, क्यों बड़े बड़े राखी ले आते, और ये एक छोटे राखी तो वीडियो फोटो था, और मेरे मोबाइल में अच्छा नहीं आता फोटो, इसको भी ऐसे बांधो। अच्छा नहीं आता मेरे मोबाइल में, खराब है उसका कैमरा, टूट गया। बस वो दोनों तरफ से, और नहीं एक के तरफ से, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हो गया सनी। हाँ फिर इसे दबाऊं? नहीं 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 दबाएगा, हो गया, चालू हो गया, फिर ऊपर जाएगा लोहा सीधा लेना, कैसे लेना ऐसे कैमरा को ना पार्टी छोटे पार्टी देने वाला है, समझे तुमने? और क्या पार्टी हो गया राखी के, राखी की पार्टी ठीक है, पैसे से तो पैसे ऐसे कुछ नहीं ना, सस्ते में पार्टी हो मैं। नहीं 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 ऐसे नहीं बोला छोटे, नहीं वैसे ही है, देख ले सोच ले, एक कप मंचूरियन में थोड़ी मांगी पाई तो मत दूजा लेकर था कोई हाफ हाफ दीदी दी। मैं बोली भूल गया क्या? नहीं नहीं भूले, किधर है? हाँ ऐसे तो कंफ्यूजन हो रहा है, सपोर्ट जा रहा भाई मोर पास है, खाली खाली बोल अरे रख ले तुम किधर लगी पानी ले, अरे हाँ ऐसे पानी ले, हाँ पैर में डाल दे, हाँ ऐसे मेरे को चलो नारियल पकड़ा दो आराम से, फोटो खींचो, खड़े हो ना रे थाली, ये सो तेरा मोबाइल का सो लो, ओ जी अगर छोटा पास है तो पहले टिट्टी कर लेना बेटा, पहले टिट्टी कर ले, बड़ी पर जाने के लिए कैसे करेंगे लोग आएंगे, बच्चे लोग तो जाएंगे, चांदी क्या वाला चांदी के फूल आए कहा, अभी आया वो चांदी का था, पकड़ आरती कर दे, तो गीला करना पड़ेगा, गीला करके वो दे में टाल दे, कौन इधर आ जा, उधर मामा फोटो लेगा, ले 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 आ, वीडियो है हां जो भी वीडियो ले, वीडियो से निकाल लेना, क्या की मना रहा है जैसा नहीं कुछ नहीं है, खाना मसाला है नहीं चीज,
फोटोग्राफर वो ला गए नहीं 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 हो रही है मजेदार दोनों का खिंचाओ ना चलो हम चले गए फोटो की चलो हो गया एक आराम से सनी चलो चलो छोटा टीका लगा बेटा और चावल आज क्या बनती है टीका और चावल दोनों का मैं इधर से इधर से हाँ मीठा नहीं लाए लाया हूँ ना थाली में तो रखा हूँ प्लेट में वो दब गया वाला हाथ में वाला हाथ में श्री एक ठोर है ना इसका धागा वाला है और फिर उसका है ना हाँ चलो नारियल पकड़ा ना उसको हटा दे ये लो पकड़ो अरे ये क्या है सीधे यहाँ से पकड़ा ना उसको मौसी पकड़ने दे चल ये लो पकड़ो ऐसे पकड़े हाँ चल अब टीटी लगा खड़े ही होने दोनों हाँ भाई तुम लोग चाय नहीं करेंगे दीदी काम में रुक जा जाए करवा ले चक्कर में ना फिर भग जाएंगे वही तो सबसे पहले भगने के सोचेंगे अरे अरे रुको 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 खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो हाथ दो रीत हाथ दो ये वाला हाथ ऐसे दिखाओ ऐसे उसको रख देना नीचे बांध दे बांध दे साक्षी बस ऐसे कहते मौसी को दे दे हाँ वाला राखी भाई के बांध चल दृष्टि बांध वहां से पकड़ना हाँ ऐसे पास से पकड़ हाँ चलो हाँ अब मौसी को दे दो मौसी बांध लेंगी अब हट जा हाँ मौसी कर देगी चलो जय श्री राम किसको मार देता है उसको तो ऐसे बैठ के बांध सकते हैं सबका हाँ कहाँ खड़े हो आखिर तेरे हिस्से में आता है उन लोग का हर बार क्या चीज दुपट्टा इधर से है ये दे अंदर बैठो तो क्या हो नहीं ठीक है बाबा
तो यहाँ बेटो दीदी अपने नाना जी को राखी बांध रही आठुते दुई बोलते आठुते बाप को देख लेता है अलग 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 लो राखी छुआ है बहन दे दो बेटा
आज है सावन का पांचवा सोमवार, तो हम आए थे बूढ़ेश्वर मंदिर, और बूढ़ेश्वर मंदिर का व्लॉग मैं डाल दी हूँ, आप लोग उस व्लॉग में जाके दर्शन कर सकते हैं, और बहुत सुंदर भजन हो रहा था, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। और हम आ गए हैं आहार डिलाइट, और मतलब यहाँ का मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको बताऊँगी कि कैसा लगा यहाँ का खाना। हम गए थे स्त्री टू, मेरे को तो बहुत पसंद आई, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। आप लोग कौन कौन गए हैं बताना, और कैसा लगा आपको ये बताना। शुरू होते ही खत्म हो गए इनका लिप काम। हम क्या ये सिर कटा ऊपर। यहाँ तो पार्टी चल रही है और ऊपर अब बोलेगी मैं अगली बार। हाँ बर्थडे मनाने वाली है बिट्टू दीदी अगली बार। चलो किधर बैठना है, पूरा छत अपना ही है, पूरा अपना ही है, जिधर बैठना उधर बैठ जाओ। चले अभी चले प्राइवेटेरिया देख सकते हम लोग ये प्राइवेट एरिया। अरे 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 ट्रेन दीजिए आप ब्लॉग भाई, ये आपका प्राइवेट एरिया ये वाला जगह अच्छा ही है। यहाँ मॉकटेल वगैरह जो है वो 150 से 200 के आसपास से ही स्टार्ट है, और बाकी जो है और ये बाकी फिर वीडियोस अगर आप जैसे भी देखें तो 250 से स्टार्ट है। खाने का टेस्ट वैसे अच्छा है, अगर आप रूफ टॉप जैसे रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा सा कॉस्टली है। बस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।